क्वेश्चन आंसर। हम लोग का महाभारत का था, कलम कथा का था ना? यस कंप्लीट दोनों, इसमें दो क्वेश्चन, तो आपको दो कंप्लीट, दो चैप्टर में कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर वसंत, ठीक है? यस मैम। निकाल लो बुक, बुक निकाल लीजिए। यस निकाल लिए, निकाल चैप्टर नंबर थर्ड। मिला चैप्टर? पेज नंबर है आपका 13। नहीं, इसमें पेज नंबर नहीं है, है ना? ऊपर के साइड देखो दिया गया है, मिल गया है। यस मैम। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। यहाँ पे जो नादान दोस्त है, नादान मतलब क्या होता है मैम? छोटे छोटे छोटे, और क्या अर्थ होता है इसका? नादान कुछ जानते नहीं है, कुछ जानते नहीं का अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को कुछ जानते की संज्ञा नहीं दी जा सकती, ठीक है? वो बच्चे हैं, उन्हें अभी नहीं पता होगा। तो यहाँ पे दो बच्चों की बात है, बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है, दो छोटे बच्चे हैं, उनको जानकारी कुछ चीजों की अभी नहीं है। कैसी कुछ चीजों की हम बताते हैं, ठीक है? जिनको अभी कम पता है, उनको अभी कुछ चीजों के बारे में नहीं पता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। पढ़ते हैं, समझ में आता जाएगा, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। जो केशव था उसके घर पर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने क्या किया था? अंडे, अंडे दिए हुए थे, ठीक है? कार्निस का मतलब जानते हो क्यों? No, कार्निस का क्या होता है? खिड़की या दरवाजे की खिड़की या दरवाजे की ऊपर की बनी छत को कहा जाता है। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। कौन दो लोग हैं? केशव है, लड़का है, और उसकी बहन कौन है? श्यामा, ठीक है? केशव और श्यामा क्या कर रहे हैं? बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देख रहे हैं। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। सवेरे क्या करते? दोनों आंख मलते हुए कार्निस के छत पर चले जाते। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको कोई अलग चीजें जब होती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? जैसे आप लोग भी हैं,
आपके घर पे भी कुछ अजीब सा हो जाता है, या चिड़िया का झुंड आ जाता है, या पक्षियों का झुंड होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो? अपना काम छोड़ के घोंसला तोड़ देते हैं। तुम करते हो ना यही चीज, ऐसे ही लड़कों की बात की गई इस स्टोरी में, बिल्कुल सही बोले सुमित। तो एक तरीके से इसमें सुमित को ही समझना, ठीक है? यस मैम। सुमित सही बोला है, घोंसला जैसे वो तोड़ देता है, इसी तरह ये बात की गई है। सही में सुमित तुम ऐसा करते हो? अंडा फोड़ देते हैं। क्यों? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तुमने कह दिया अच्छा लगता है, ठीक। अगर तुम्हारा जैसे घर है, ठीक, अब कोई तुम्हारा घर तोड़ दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं, आप यहाँ पे समझ गए ना कैसे बच्चों की बात की जा रही है, हर्ष निहारिका सुमित जैसे बच्चों की बात की जा रही है। तो वो क्या कर रहा था, श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कारण इसके सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। अब यही चीज बताई जा रही ना, बच्चे ये सब देखने में क्या करते हैं, मजे करते हैं, लेकिन क्यों करते ये नहीं मालूम होता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी, उनकी माता उनके सामने दूध और जलेबी भी रखती थी, लेकिन वो भाग के क्या कर रहे थे, अंडे को देखने जा रहे थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, दोनों के दिमाग में दिल में क्या थे, सवाल उठ रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी वो छोटे हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से आएंगे, बच्चों से कैसे निकलेंगे, वो क्या होंगे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था वहां पे, इन बातों का कोई भी जवाब देने वाला नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को दे लिया करते थे। दोनों क्या करते थे, आपस में बात करते थे और सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा भैया, बच्चे निकलकर फुर्सत उड़ जाएंगे, वो कहती है। श्यामा कहती है, क्यों भैया? जो बच्चे हैं वो निकलकर, श्यामा छोटी रहती है किससे, केशव से। तो पूछती भैया, क्या जो ये बच्चे हैं वो जैसे ही निकलेंगे अंडे से वो तुरंत उड़ जाएंगे? नो मैम। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। अब बड़ा था तो उसको थोड़ी जानकारी थी, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। वो अपनी बहन को क्या समझाता है, नहीं, पहले उसके पर, पर मतलब पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, श्यामा कहती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह तीन चार दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती आ जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर होते थे, वो अंडों को क्या देखने के लिए अधीर हो जाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। उन्होंने क्या अनुमान लगाया, कि अब बच्चे इसमें से जरूर निकलेंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, अब उनके दिन में दिमाग में सवाल गूंजता जा रहा था कि चिड़िया इतना दाना अपने बच्चों को खिलाने के लिए कहाँ से पाएगी। सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। इस मुसीबत का क्या किया उन्होंने, अंदाजा किया, दोनों घबरा कर उठ गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। सबने क्या फैसला किया, किसने, केशव और श्यामा ने फैसला किया कि जहां पे अंडे दिया गया है वहां पर थोड़ा, चलो हम लोग दाना रख देते हैं। श्यामा श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया
को चारे के लिए कहीं और तो जाना ही नहीं पड़ेगा। जब हमारे पास भोजन खुद आ जाएगा तो क्या हमें जाना पड़ेगा कहीं? नहीं। इसी तरह वो सोचेगी घोंसला जो है जहाँ पे अंडे दिए हैं बच्चे चिड़िया वहां पे चलो दाना रख दिया जाए। केशव नहीं तब क्यों जाएंगी? श्यामा कहते क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी। आप कह रही है दूसरा क्वेश्चन क्या कि बच्चों को धूप नहीं लग रही है। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था, जो केशव का ध्यान था उसके इस तकलीफ की ओर नहीं गया। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। केशव ने क्या कहा कि जरूर तुमसे ये जरूर तकलीफ हो रही होगी भाई, धूप लग रही है उनको, वो भी पक्षी है हम भी इंसान है हमें भी धूप लगती है, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। वो क्या कह रहे हैं बेचारे जो हैं वो प्यास के मारे तड़प रहे हैं। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, ऊपर क्या है कोई भी छाया नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। उसने क्या फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। क्या हुआ? प्याली में थोड़े से चावल भी रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे श्यामा माँ की आंखें बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का जो तेल था चुपके से जमीन पर गिरा दिया। उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा, मतलब प्याली में तेल रखा हुआ था और केशव ने क्या किया उसको गिरा दिया धीरे से, उसको अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? बिना ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे रहेंगी? अब दिमाग में था हम लोग इंतजाम तो कर रहे हैं पर कैसे होगा? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यहाँ मुश्किल भी हल कर दी। उसने आखिरकार क्या किया? मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। उसने क्या श्यामा से बोला कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी भी ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बहुत बीच से फटी हुई है उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा तू टोकरी तो ला मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। ठीक नेक्स्ट पढ़ो हर्ष राज पढ़िए। यस मैम पढ़ो। श्यामा वेट टू बीच श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सूखे में थोड़ा सुराख में थोड़ा सा कागज घुस दिया और टक टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला देख ऐसे ही घोंसला पर इसकी अंड आर कर दूंगा तब कैसे धूप जाएगी? कि श्यामा ने दिल में सोचा भाई इतने चालाक है गरीब, गर्मी के दिन थे बापूजी दफ्तर गए हुए थे अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर सो गई थी।
लेकिन बच्चों बच्चे की आंखों में आज नींद की आंखों में नींद कहां काम अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों तब रो के आंख बंद कर किया मौके का इंतजार कर रहे थे जो मालूम हुआ कि अम्मा जी इतना तरह से सो गई दोनों चुपचाप से उठ और बहुत धीरे से दरवाजा की कहानी खोलकर बाहर निकल आए अंडों की हिफाजत की तैयारियों होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूप उठा लाया लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी हुआ डालते स्टूल पर चढ़ा सामान। अब सुनो, तुम गलत पढ़ रहे हो, डरते डरते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, हमारे पढ़ने के बाद एक पेज अभी, अब आपके कोई क्लास नहीं है ना? नो मैम। तो जस्ट अभी इसी चैप्टर को बोल बोल कर पढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि बहुत फर्स्ट फर्स्ट के रुक रुक कर आप सिक्स में आपको तो सही बोलना चाहिए ना, ठीक है। तो डरते डरते लिखा है, तुम सही नहीं पढ़ पा रहे हो ऐसी चीजें। निहारिका, यस मैम। पढ़ो श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए, यहाँ से पढ़ो। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसका दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ पड़ जाते। केशव ने जो की कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हाँ भैया क्या बच्चे केशव फिर के बाद केशव तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले ला लिया
चित्र ले आ नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पेट पड़े हैं। तिनको पर श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करने उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने सिर्फ कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा ही वह टोकरी दो तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जा आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो मुझे तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। तुम्हें बेटा माइक ऑन करो, तुम्हें माइक नहीं ऑन कर रहा है बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? पढ़िए। मैम कहाँ से? कहाँ पर? निहारिका ने खत्म किया है अभी। मैम आप बोले, पढ़ नहीं रहे थे क्या? मैम देख रहे थे, लेकिन देखना नहीं था, पढ़ना था। अभी हम क्या लिख रहे हैं जो देखना था आपको, भी इसमें पढ़ना था ना। बताओ निहारिका, कहाँ पे खत्म की हो? श्यामा प्याली और चावल भी लाई। चलो यहाँ से पढ़ो, पेज नंबर 16 पर है। पेज नंबर 16 पर मिल गया ना? यस मैम। चौथा पैराग्राफ में है शायद, पढ़ो। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और श्यामा प्याली और चावल भी लाई वहां से। हाँ यहाँ से पढ़िए। केशव ने टोकरी ने टोकरी को नीचे दोनों चीजें रख दी और अहिंसता से उत्तर आया। अहिंसा लिखा है। अहिंसा से उत्तर आया श्याम ने गिड़गिड़ा कर कहा। अहिंसा नहीं लिखा है, अहिंसा लिखा है। अहिंसा फिर अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। हम कह रहे हैं उनकी बिंदी नहीं रहेगी। अहिंसा क्या लिखा है देख के पढ़ो। अहिंसता। निहारिका तुम पढ़ो। निहारिका मैम आहिस्ता। वेरी गुड, आहिस्ता। आहिस्ता से उत्तर आया श्याम ने गिड़गिड़ा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव क्या गिर पड़ेगी, तू गिर पड़ेगी। फिर श्याम ना गिरोगी भैया। श्यामा, श्यामा लिखा है। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्यों करेगी देखकर अब क्या करेगी देखकर अब अंडे पड़े आराम से है, जब बच्चे निकल लेंगे तो उनको पालेंगे दोनों। चिड़िया बार बार कानी पर आती थी और
बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टॉल उठाकर कमरे में रख आया क्योंकि यहाँ की थी वहाँ रख दी। सियाम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा क्या कहती है कि तुमने जो ये तुम तो चढ़ कर देख लिए, तुमने वहां पे बाकी चीजों को बिछाया, आपने काम किया। तो श्यामा कहती है कि मुझे, और स्टूल कौन पकड़ा था? स्टूल श्यामा पकड़ी थी और केशव उसके ऊपर से चढ़कर व्यवस्था कर रहा था। तो फिर श्यामा का भी कहना था कि मुझे भी दिखा दो। तो केशव क्या कहता है इसी बात पर? कहता है कि तू जब चढ़ेगी तो गिर जाएगी, और जब गिर जाएगी तो मम्मी को पता चलेगा। मम्मी को यहाँ पे अम्मा कहा गया है, उनको पता चलेगा तो वो मुझे मारेंगी। तो यही चीज कह रही। तो फिर बाद में रोने लगती है श्यामा कि तुम उतर आए और मुझे तुमने दिखाया भी नहीं। फिर केशव और गिर पड़ी तो चार सर न हो जाते। यहाँ पे जो डैश लगा है, जैसे केशव, फिर उसके डैश के आगे वाक को लिखा है, फिर श्यामा, तो यहाँ पे वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, पहले केशव कहता है कि अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो श्यामा उसकी बात पे कहती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर केशव कहता है और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते? फिर श्यामा कहती हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। वो धमकी देती है, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? ये दोनों क्या कर रहे थे? सोने का बहाना कर रहे थे। उसकी माँ भी सोती है, जब देखते हैं कि बच्चे हैं नहीं यहाँ पर, और बाहर देखती है तो बाहर बच्चे थे। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। उसकी माँ क्या कहती है कि मैंने तुम लोग से कहा था कि धूप में मत निकलना। किसने किवाड़ खोला, मतलब दरवाजा किसने खोला? फिर उसके बाद पढ़ो, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्याम कह ना दे, श्यामा कह ना दे, अंडे 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 ना दिखाए थे। इससे अब सबको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मुंह बात के मारे चुप थी। या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। ज्यादा दोनों की बातें थी, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे उन्हें पंख झलने लगी। अभी सिर्फ दो बाजे पंखा झलने लगी अभी सिर्फ दो बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। चार बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। चार बज गए तो फिर से श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वहां दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वहां उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं
और उनसे कोई चूने की सी जैसी बाहर चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव कहते, तेरे सर में, गुस्से से बोलता है। देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है? वही तो दो चार दिनों में बच्चे बन जाते, मतलब जो अंडे होते हैं उसमें जो लिक्विड रहता है वही तरी वो लिक्विड एक आकार लेता और उस आकार से उनसे बच्चे निकलते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वहां नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने कहा, तू वहां पहुंचा कैसे? तो श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहता है, तू स्टूल सामने नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ और तुझे अभी भी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। जो चिड़ियों के अंडे होते हैं अगर हम उनको छूते हैं वापस वहां पर चिड़िया नहीं आती है। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर जो भी चिड़िया अंडा दे उसको नहीं छूना चाहिए। श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। वो कहती है उसकी माँ की, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रानी, केशव जो था वो रूनी सूरत बनाकर, मतलब रोती हुई जैसी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। वो कह क्या सफाई देता है कि मैंने उसको सिर्फ सेफ करके गद्दे पर रखा था कि अंडे लुढ़के ना। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता था। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। वो तो हिफाजत कर रहा था, उसके अंदर कोई भी नहीं था ऐसे चीज कि वो अंडे को तोड़े। वो सोचा कि मैं हिफाजत से इसको रख दूं और क्या करूं, अंडे जो रहेंगे वो सेफ रहेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था, क्योंकि बच्चे क्या थे इस टाइम, नादान थे, उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, उन्हें तो पता नहीं था कि अगर हम अंडे को छू लेते हैं तो चिड़िया वहां से भाग जाती, हट जाती है और अंडे को गिरा देती। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर नहीं दिखाई दी। जब उनके बच्चों को कोई कष्ट पहुंचाएगा तो फिर चिड़िया वहां वापस आएगी नहीं। तो यही वजह थी, अंडे गिराकर वो चली गई। समझ में आया सुमित? Yes, गलती की क्या सजा होती है? बार बार आपको पछतावा होगा। ठीक हर्ष निहारिका, समझ में आया? इसीलिए अब आगे से आप लोग किसी भी चीज को जल्दी हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आपको कोई भी जानकारी नहीं है। और सुमित, तुम आप अंडे कभी नहीं फोड़ोगे, ठीक है? Yes, समझ रहे हो? हाँ बोलो। मैम बुक में तो थोड़ा सा ही दिया है इसमें। क्या चीज मैम? बुक में ना ये थोड़ा सा ही कहानी दी है। तो मैम ये दिखा देते हैं, रुकिए। तुम कौन सा? अच्छा वर्क बुक लिए हो तुम? ये वर्क बुक है बेटा। हाँ ये थोड़ी सी थी। ये वाली बुक लो, ये वाली। ठीक, वसंत। हाँ वसंत, तो उसमें सारी चोरी दिया। ठीक है, चलो फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सर और शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, मिस मैम, थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय, बाय मैम, बाय मैम।